नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बची हुई रोटी से पिज्ज़ा की रेसिपी। ये खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है और बनाना से बहुत ही आसान है, तो इसका बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलो चलते हैं रोटी का पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो रोटी ले ली है। इस तरह से बची हुई रोटी से पिज्ज़ा बना सकते हो। मैंने यहाँ पर दो रोटी ले ली है। मैंने शिमला मिर्च लिए थे बारीक चॉप कर लिया, एक शिमला मिर्च को, एक टमाटर को बारीक चॉप कर लिया मैंने, एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया मैंने। ये ली मैंने अमूल की चीज। आप चीज कोई भी यूज कर सकते हो, मोजरेला जो भी आपके पास हो यूज कर सकते हो आप। ये लिया है मैंने पिज्जा सॉस, आप टोमेटो केचप से भी बना सकते हो, चिली फ्लेक्स, सीजनिंग ले लिया और गया। तो मैंने पिज्जा बनाने के सारे सामग्री ले लिए। मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है कढ़ाई में, तो हम इनको डीप फ्राई करके बनाएंगे। आप वैसे बिना फ्राई करें नॉर्मल रोटी पे ही सॉस लगा के बना सकती हूँ, लेकिन ऐसे टेस्ट ज़्यादा आएगा हम इस तरह से बनाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें एक एक करके रोटी को डीप फ्राई कर लूँगी। रोटी को हमें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरह से आप पिज्जा बनाओगे तो पिज्जे में टेस्ट अच्छा आएगा। दोनों तरह से अच्छे से हमें से फ्राई करना है। इसको निकाल देते हैं अच्छी तरह से। पहले हम ऑयल को उधर से पकड़ लेंगे, इसे हम ऑयल को जो जाने देंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें चला गया है। और इस तरह से जो दूसरी रोटी है उसको भी हम इसको डीप फ्राई करेंगे। दो रोटी से पिज्जा बनाएंगे, दो पिज्जा बनाएंगे। तो हम इस तरह से पलट देते हैं और गैस को कर देंगे बंद, थोड़ी देर और होने देते हैं और इसको हम निकाल लेंगे इसको भी। अब चलेंगे हम पिज्जा बनाने। तो रोटी हमारी सीख के तैयार हो गई है, अब इनको टॉपिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे एक रोटी ले ली है, अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं पिज्जा सॉस। मैं इसके ऊपर एक चम्मच पिज्जा सॉस डाल देती हूँ और इसे अच्छे से फैला लेना चारों तरफ। मैं अच्छे से फैला लेना है। आप टमाटो केचप भी ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। अब इसके ऊपर डालेंगे हम सारी वेजिटेबल इस तरह से। आप इन्हें मिक्स करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सबको अलग अलग डालूंगी। शिमला मिर्च डालूंगी। अब हम इसके ऊपर चीज डालेंगे, तो मैं इसमें मैंने चीज़ की स्लाइस ले ली है, इसके ऊपर ग्रेट करके डाल देते हैं। अगर आपके पास चीज नहीं हो, आपकी चीज की स्लाइस हो तो वो भी ले सकते हो। मैंने इस तरह से ग्रेट कर दिया है चीज को, चारों तरफ फैला देती हूँ, चारों तरफ अच्छे से पी जाए। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ऑरिगेनो। अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो सीजनिंग और फ्लेक्स से ही बना सकते हो। सीजनिंग तो पिज्जा का ही फ्लेवर आएगा इसमें, थोड़ी सी इसके ऊपर फ्लेक्स। अब चलते हैं इसे बनाने। मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, जो हमने बना के रखा है पिज्जा का बेस, और उसके ऊपर रख देते हैं और इसे हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। सेम चीज को मेल्ट होने तक पका लेंगे। इसको हम चेक करते हैं, इसको चीज हमारी मेल्ट हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं, इस तरह से हम दूसरे पीजे को भी बना लेंगे। इसको
तो मैंने तैयार करके रख लिया था, इसको बना लेते हैं ढक के। तो इसको हम पिज्जा कटर से अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाकू से भी काट सकते हो। आसानी से कट जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आपकी बची हुई रोटी बिगड़ेंगी भी नहीं और आपको एक नया नाश्ता मिल जाएगा। देखो आपको दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो मेरा पिज्जा बनके तैयार हो गया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।